दोस्तों आरसीबी की शानदार जीत, आरसीबी की तरफ से दोस्तों विराट कोहली ने इतनी शानदार सेंचुरी जड़ी जिससे दोस्तों आरसीबी को जीत हासिल हो गई। और आरसीबी जो है वो जो नीचे पायदान पे थी वो डायरेक्ट चौथे स्तर में मुंबई को पछाड़कर पहुंच गई और रन रेट भी काफी ज्यादा बेहतर हो गया है आरसीबी का। और विराट कोहली दोस्तों आईपीएल में उनका एक और सेंचुरी जुड़ चुका है, वो भी चेस करते हुए, क्योंकि इन्हें चेस मास्टर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि विराट कोहली के सामने कितना भी स्कोर क्यों ना हो वो चेस कर ही लेते हैं, और ज्यादातर दोस्तों ये चेस करके बहुत सारा मैच जिताए भी हैं। तो फटाफट इस मुकाबले की बात की जाती है, इस मुकाबले में दोस्तों आरसीबी टॉस जीतती पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। और दोस्तों यहाँ इसके ग्राउंड में चेस करना काफी आसान होता है, यही हुआ भी दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी, फिर से ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हुआ दोस्तों, राहुल त्रिपाठी को ओपनर भेजा गया, बट दोस्तों फिर से ये दोनों ओपनर फेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा मात्र 11 रन बनाकर दोस्तों ब्रेसवेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं, फिर राहुल त्रिपाठी मात्र 15 रन बनाते हैं 12 गेंदों में, दो चौका एक छक्का लगाते हैं, तो राहुल त्रिपाठी भी ब्रेसवेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। इन्हें दोनों में किसी का ही बल्ला नहीं चलता है। फिर एडम मरकरम दोस्तों सहवाज अहमद की गेंद पर आउट होते हैं 18 रन बनाकर, तो टॉप 3 बल्लेबाज इसके आउट हो जाते हैं पावर प्ले में ही दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा जो 49 रन ही बन पाता दोस्तों पावर प्ले में, अलावा 2 विकेट पावर प्ले में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से हेनरिक क्लासिन और हैरी ब्रुक, इन दोनों के बीच थोड़ी सी साझेदारी पनपती है। फिर उसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासिन इतनी शानदार बल्लेबाजी करते हैं कहने की बात है, मात्र एक जो है हैदराबाद की तरफ से अगर किसी भी बल्लेबाज का बल्ला चलता है तो वो है दोस्तों हेनरिक क्लासिन, जिसने 51 गेंदों में सेंचुरी चल दिया। सोच सकती है 51 गेंदों में 104 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौका 6 छक्का लगाया, और उसी की पारी की वजह दोस्तों हैदराबाद का जो स्कोर हो जाता है वो 186 पे 5 हो जाता है। फिर हैरी ब्रुक का भी थोड़ा सा रोल रहता है, हैरी ब्रुक भी दोस्तों 19 गेंदों में 27 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 2 चौका 1 छक्का रहता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हैदराबाद का जो स्कोर रहता है 186 पे 5 हो जाता है। हैदराबाद सोचती है चलो बेटा इतना स्कोर है और बड़ी आसानी से जो है हम इस मैच को जीत जाएंगे और डिफेंड करवा लेंगे आरसीबी के सामने, क्योंकि आरसीबी की ताकत जो है वो विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल है, बट दोस्तों आप इनको आउट कर पाइएगा तब ना आप जीत पाइएगा मैच। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का फॉर्म इतना बेहतर चल रहा है, फाफ डु प्लेसी विराट कोहली का कहने की बात नहीं, और सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में अगर किसी ने इस सीजन रन बनाए तो वो विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने बनाए। हर एक मैच में फाफ डु प्लेसी का बल्ला चलता, विराट कोहली फेल हो जाए वो अलग सी बात है, बट दोस्तों फाफ डु प्लेसी हर एक मैच में दोस्तों इनका बल्ला चल रहा है और हर एक मैच में ये ऑरेंज का होल्डर रहे दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात की जाए आरसीबी की बल्लेबाजी की, तो विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी शुरू से ही प्रहार करते नजर आ रहे थे दोस्तों, लगभग चौका छक्का खाली, कभी विराट कोहली मारते कभी फाफ डु प्लेसी मारते, दोनों तरफ से बल्लेबाजी इतनी धुआंधार हुई कहने की बात नहीं दोस्तों, इतनी शानदार बल्लेबाजी हुई कहने की बात है। पावर प्ले में दोस्तों बिना कोई विकेट खोए दोस्तों 64 रन बन जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों लगभग विराट कोहली जो मात्र अपना जो हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं वो 26 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों फर्स्ट विकेट के लिए जो है साझेदारी जो बनती है 50 रन की, वो दोस्तों 28 रन विराट कोहली करा था, 23 रन जो है फाफ डु प्लेसी करा था, मात्र 26 गेंदों में 50 रन पूरा कर देते हैं फर्स्ट विकेट की साझेदारी, ठीक है। और पहला जो स्टैटिस्टिक टाइम आउट होता है उसमें दोस्तों लगभग 6 ओवर में 64 रन, यानी पावर प्ले में ही दोस्तों ये लोग 64 रन बना देते हैं। फिर उसके बाद सोच सकते हैं दोस्तों 68 गेंद खेलकर दोस्तों 100 रन पूरे, 11.1 ओवर में दोस्तों इसका 100 रन पूरा होता है टीम का, फिर भी दोस्तों विकेट नहीं गिरता है, ठीक है। फाफ डु प्लेसी जो है वो 34 गेंद में अपना पहला हाफ सेंचुरी पूरा करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों फर्स्ट विकेट के लिए जो साझेदारी पनपती है 68 गेंदों में 100 रन की साझेदारी पनपती है। फिर उसके बाद दोस्तों विराट कोहली भी 35 गेंद में अपना 50 पूरा कर देते हैं, लगभग 13 ओवर तक दोस्तों 117 रन हो जाता है और एक भी विकेट नहीं गिरता है, और विराट कोहली का स्कोर रहता है 63 तो फाफ डु प्लेसी का स्कोर रहता है 52। फिर उसके बाद दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लगभग 91 यानी 14.6 ओवर में दोस्तों 150 रन पूरा कर लेती है, कौन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। फिर उसके बाद दोस्तों 91 बॉल में 150 रन पूरा कर लेती है आरसीबी अब बिना विकेट खोए, सोच सकते हैं फर्स्ट विकेट की साझेदारी दोस्तों 91 पर 150 रहती है। विराट कोहली का 82 पे स्कोर रहता है तो फाफ डु प्लेसी का 63 पे स्कोर रहता है। फाइनली दोस्तों विराट कोहली जो है वो मात्र 65 गेंदों में अपना सेंचुरी पूरा करते हैं, और यही सेंचुरी दोस्तों विराट कोहली को जीत की ओर ले जाती है, लगभग 12 चौके लगाया और 4 छक्का लगाया, और यही इसी पारी की वजह दोस्तों विराट कोहली इस मैच को जीता पाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों
और पापुलेस भी दोस्तों 47 गेंदों में 71 रन की पारी खेलते हैं। बट दोस्तों इन्हीं दोनों की पारी के वजह से आरसीबी इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत पाता है। दोनों तो आउट होते हैं बट दोस्तों लास्ट में मैक्सवेल आकर एक चौका मारकर जो है मैच को जिता देते हैं और 187 पर 2 विकेट रहता है आरसीबी और इस मुकाबले को 8 विकेट से आरसीबी जीत जाता है और लगभग 4 गेंद शेष बचे रहते हैं। तो इस शानदार पारी के वजह दोस्तों आरसीबी फाइनली जो है वो जीत चुका है और पॉइंट्स टेबल पे एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं कि आरसीबी के लिए चांस ज्यादा है कि या मुंबई के लिए ज्यादा चांस है कि वो क्वालिफाई करे। तो जहां तक बात की जाए दोस्तों आरसीबी जो है इस मैच को जो जीती है, इस मैच को जीतने के साथ इसके जो प्ले ऑफ से पहुंचने के चांसेस है वो शायद मुंबई इंडियंस से ज्यादा बढ़ गए हैं और मुंबई इंडियंस से आगे भी पहुंच चुकी है। तो बड़ा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात टाइटंस तो कंफर्म क्वालिफाई कर गई है, उसके कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे बात आता है चेन्नई सुपर किंग की दोस्तों, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग भी अभी 7 मैच जीता है, लखनऊ सुपर जायंट्स भी 7 मैच जीता है और आरसीबी भी 7 मैच जीता है और एमआई भी 7 मैच जीता है। अगर ये बात हो सकती है, अगर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग जो लास्ट मुकाबला बचा है अगर वो हार जाती है तो थोड़ी सी मुश्किलें जो है चेन्नई सुपर किंग के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्वालिफाई करेगी या ना करेगी ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं होगा। फिर एलएसजी भी अगर अपना लास्ट मुकाबला हार जाती तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आरसीबी ये मात्र एक ऐसी टीम नहीं रहती है कि अगर अपना लास्ट मुकाबला भी हार जाती है तो थोड़ा सा रन रेट बेहतर है, किसका, मुंबई इंडियंस से बेहतर है। तो अभी तो फिलहाल टॉप 4 टीमें जो है गुजरात टाइटंस है, सीएसके है और एलएसजी है और आरसीबी है। तो आरसीबी अगर अपना लास्ट मुकाबला जीत जाती है तो आरसीबी के लिए जो है वो चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये आता है कि मुंबई इंडियंस भी दोस्तों 7 मैच जीत चुका है, अगर मुंबई इंडियंस भी लास्ट मुकाबला एकदम अच्छे रन रेट से जीत जाता है तो मुंबई इंडियंस भी पहुंच सकता है प्लेऑफ्स में। वहीं दूसरी जगह दोस्तों सीएसके भी अपना बढ़िया तरीके से मुकाबला जीत जाता है तो सीएसके भी पहुंच सकता है। वहीं एलएसजी भी है दोस्तों बढ़िया तरीके से मुकाबला जीत जाता है तो सीएसके और एलएसजी का तो कन्फर्म रहेगा वो प्लेऑफ्स में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई काट नहीं सकता। वहीं आरसीबी मुकाबला जीत जाता है तो मुंबई का रास्ता कट हो जाएगा। तो देखिए वाली बात होगी क्योंकि मुंबई भी ज्यादा माइनस रन रेट में नहीं है, अगर बढ़िया तरीके से मैच जीत जाता है तो चांस बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स हो गई, केकेआर हो गई, वहीं पंजाब किंग्स हो गई, तो ये तीनों में दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। तो देखते कौन पहुंचता है दोस्तों इस साल प्ले ऑफ्स में, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करके अलग वीडियो बनाएंगे प्ले ऑफ सिनेरियो में। तो बता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।